जी हाँ, आप भी करना चाहते हैं मुझसे सीधी बात तो हमें कॉल कर सकते हैं बताए गए हुए टोल फ्री नंबर पर। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं, हमारा टोल फ्री नंबर है 1-800-102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। जी हाँ, सीधी बात कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, आप तनाव से गुजर रहे हैं, आपके घर में तनाव की स्थिति बनी हुई है, वास्तु के अनुसार बताएंगे और वैसे भी बताएंगे कि आखिर कारण क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। मगर बात करें आज की राशियों के अनुसार आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। बात करते हैं सबसे पहले हम मेष राशि वालों के लिए, आज का दिन आपके लिए क्या कहता है। कहता यह है, किसी खास मुद्दे को लेकर परिजनों में मतभेद का सामना करना पड़ सकता है। संबंधों की मधुरता हेतु आपस में विश्वास रखें। शासन सत्ता का लाभ आपको मिलेगा। ओम नमो अंजनी पुत्राय नमः, इस मंत्र का जाप करना विशेषकर आपके लिए लाभदायक होगा। हम बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए, आज का दिन क्या कहता है। कहता यह है कि कुछ नए पारिवारिक तनावों में मन में अशांति का माहौल बन सकता है। कुछ चिंताएं मन के ऊपर जो है प्रभावी होती है दिखाई दे रही है। साथ ही शिक्षा में ध्यान दें तो बेहतर होगा। जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। मिश्री का इस्तेमाल करना बेहद उत्तम रहेगा, क्योंकि शुक्र के दिन मिश्री का इस्तेमाल करना आपके शुक्र को और ज्यादा बढ़ावा देता है। हम बात करें मिथुन राशि वालों के लिए, आज का दिन आपके लिए क्या कहता है। अच्छे कार्यों के लिए प्रशंसनीय होंगे। महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का जो है अपने पूर्ति हेतु मन पर जो दबाव है वो बना रहेगा। शासन सत्ता की दिशा में केंद्रित व्यक्तियों को लाभ मिलेगा। लाल रंग का गुलाब या रुमाल अपने साथ रखेंगे तो विशेषकर आपके लिए लाभकारी हो सकता है। हम बात करेंगे कर्क राशि वालों के लिए, आज का दिन आपके लिए क्या कहता है। भावना प्रधान मन जल्द ही दूसरों से प्रभावित हो जाता है। रोजगार के क्षेत्र में हर संघर्ष पर विजय सफलता का आगाज कर रहा है। असामाजिक तत्वों से दूरी बनाए रखें तो बेहतर होगा। मीठी दही खाकर अगर यदि घर से बाहर निकलते हैं या आज खा भी लेते हैं तो भी आपके लिए आज का दिन बेहतर हो जाता है। हम बात करेंगे सिंह राशि वालों के लिए, आज का दिन क्या कहता है। प्रगति के नए रास्ते खुलते नजर आएंगे। व्यवसाय में नवीन योजनाओं द्वारा प्रगति के आसार बनेंगे और राजकीय कर्मचारियों के लिए नौकरी का वातावरण सुखद रहेगा। एक कन्या को मीठा खिलाना बेहद उत्तम रहेगा। और हम बात करेंगे अपनी छठी राशि कन्या राशि वालों के लिए, आज का दिन आपके लिए क्या कहता है। कहता यह है कि महत्वपूर्ण कार्यों को कल पर ना डालें। कार्य क्षेत्र में अवरोध से मन में निराशा संभव है। नौकरी का वातावरण आपका सुखद रहेगा। घर परिवार में हर्षोल्लास का वातावरण रहेगा। आज जो है माँ दुर्गा को मेहंदी चढ़ाना अर्पित करना अति उत्तम हो जाता है। बाकी राशियों पर हम चर्चा जरूर करेंगे, मगर हमारे कॉलर हमारे इंतजार कर रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं। हेलो विलास जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत करते हैं। हेलो मैडम, जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ जी, स्वागत है आपका। जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 4 मार्च 1963 1963 जी। हाँ समय बताएं। समय सुबह का 8:35 जी। क्या पूछना चाहते हैं मैडम। मेरे को एक जॉब में से निकाला गया, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था कुछ 22 साल मैंने काम किया, 60,000 रुपया पगार था। अभी मैं जॉब लेस हूँ कुछ 3 साल से और मेरा अपना खुद का घर भी नहीं है। चलिए आपके खुद के घर के लिए अभी भी यहाँ पर विलंब दिखाई दे रहा है। और बात करेंगे हम कि अभी आपकी जो दशा चल रही है वो बुद्ध की महादशा चल रही है। साथ ही यहाँ आपकी कुंडली में मंगल जो है आपके लिए कहीं ना कहीं हानि उत्पन्न करता है, क्योंकि मंगल की वजह से आपके जो है ज्यादातर संबंध किसी के साथ आप जितना मधुर बनाते हैं वो आपके लिए कहीं ना कहीं उल्टा पड़ जाता है। मंगल के साथ में यहाँ राहु बैठे हुए और दशम भाव में यहाँ देखते हैं और लगन भाव में दोनों ही यहाँ पर गुरु की राशि संचार कर रही है। आपकी खुद की राशि की अगर हम बात करते हैं तो मिथुन राशि या गणेश जी की पूजा आराधना के साथ साथ आपके लिए यहाँ पर एक चीज बताना चाहेंगे, आप गुरु को थोड़ा सा प्रबल बना लीजिए। मंगल की चीजों का दान पुण्य करना आपके लिए बेहतर हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मंगल की वजह से आपके हर कहीं भी जाएंगे जॉब वगैरह में वहाँ अड़चन तो होगी। साथ ही आपके जो है मकान बनाने में भी अड़चन दिखाई दे रही है। आपके लिए एक चीज उपाय बताना चाहेंगे, एक तो जो है मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा आराधना के साथ साथ आपने लाल वस्त्र में मसूर की दाल जो है हर महीने की जो पहला मंगलवार आएगा
उसमें लपेट कर आपने क्या करना है, अपने ऊपर से उतार कर बहते हुए जल में प्रवाहित करना है। ये सारी चीजें आपने मीठे बतासे हैं, इसको भी जो है आप बहते हुए जल में डाल सकते हैं। इससे क्या है, आपकी जॉब वगैरह की जो यहाँ पर दिक्कतें आई हुई थी वो कहीं ना कहीं मंगल की वजह से थी। और साथ ही बुध के लिए आपको उपाय करना, अपने राशि के स्वामी को थोड़ा सा प्रबल बनाना है। उसके लिए आपने गणेश जी की पूजा आराधना के साथ साथ पन्ना रतन धारण कीजिए, जो आपके लिए बेहतर होगा। जय महादेव। शशिपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत करते हैं। हेलो। हेलो मैम, मेरे बेटे का जन्म है 1188। और समय बताइए। सुबह 6:10 होशंगाबाद। जी क्या पूछा चाहती हैं? मेरे बेटे की जॉब कब तक लगेगी? चलिए, बेटे की जॉब के लिए आप बात कर रहे हैं तो यहाँ देखेंगे कि किस सेक्टर में लगेगी। सबसे पहले तो यहाँ बता दें, यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, अगर जॉब वगैरह की बात करें, यहाँ पर इसकी कुंडली में यहाँ पर 80% या 85% जो है इसके सरकारी जॉब के यहाँ पर योग है। मगर यहाँ पर सूर्य, बुध और शनि, ये तीनों ही ग्रह जब लगन भाव में बैठे हुए हैं और दशम भाव में यहाँ देखते हैं कि कन्या राशि संचार कर रही है और साथ ही केतु भी बैठे हुए हैं। तो ऐसे में यहाँ पर हमें क्या करना है, सूर्य को प्रबल बनाना है, बुध को प्रबल बनाना है और साथ ही यहाँ पर अगर हम दशाओं की बात करते हैं कि दशा इसकी कौन सी चल रही है जिसके लिए यहाँ जॉब वगैरह में इसके लिए बहुत ज्यादा अड़चन पैदा कर रही है, तो राहु की महादशा चल रही है। राहु की महादशा के लिए इनके लिए करना चाहेंगे कि आप जो है 7 प्रकार के अनाज ले लीजिए, अपने बेटे को बोलिएगा अपने हथेलियों से रगड़ने के बाद पक्षियों को डाला करें। साथ ही जो है ये 7 प्रकार के अनाज इनको 3 जगह डालना है, 3 जगह डालना है, एक तो अपने घर के पास में कहीं पर और कहीं एक वीरान जगह और एक जो है जहाँ पर सारे पक्षी बैठते हैं उस जगह डालना, मंदिर के आसपास ये 3 जगह डालने का नियम बना ले। इससे क्या है, इनका जो है जो राहु का प्रभाव है वो जो है कहीं ना कहीं कम हो जाएगा और साथ ही जो है अगर गोमेद पहनते हैं तो अच्छे रहेगा। इस तरीके की चीजों का अगर उपाय कर लेते हैं, सूर्य को बढ़ावा, बुध को बढ़ावा और साथ ही राहु का उपाय कर लीजिए, इनके जॉब वगैरह में जो अड़चन आ रही है दूर हो जाएगी। जय महादेव। अवनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत करते हैं। हेलो। हेलो। जय महादेव। जय महादेव। मैडम जी, मेरी जन्म तिथि 25/10/1887। 25/10/1887। 26/10/1887। जी, और समय बताइए। मैं 10:30 सुबह का 10:30। जी क्या पूछना चाहते हैं? जॉब के बारे में पूछना है। अभी तो आप जॉब कहीं नहीं कर रहे? अभी नहीं कर रहे। आप बोल रहे हैं कि आप जॉब नहीं कर रहे हैं, मगर यहाँ पर इस तरीके के योग आपके जो है यहाँ पर 1.5 साल पहले भी बने हुए थे और साथ ही यहाँ पर आपने कहा अगर नहीं कर रहे हैं कोई अपना, आप एक तो बिजनेस कर सकते हैं वो आपके लिए बेहतर हो सकता है। यदि जॉब के लिए आप जाना चाहते हैं तो जॉब के लिए आपके लिए बेहतर है कि एक तो जो है शनि का उतारा करना आपके लिए अच्छा रहेगा, शनि की पूजा नहीं करनी है, शनि का जितना हम दान पुण्य कर सकते हैं उतारा करते हैं हमारे लिए अच्छा रहता है, क्योंकि काले कुत्ते को जो हम रोटी खिलाते हैं उसमें जो है काला तिल जरूर लगा होना चाहिए सरसों के तेल के साथ में, अपने ऊपर से उतार कर आपने हर सैटरडे के दिन खिलाना है। क्योंकि जहां पर हम ये देखते हैं कि दशम भाव के कारक जो स्वामी हमारे जो शनिदेव है उनकी जो है कहीं ना कहीं डिग्री भी कम है और आपके काम वगैरह में जो अड़चन भी दिखाई दे रही है। एक चीज और है, आपने बात की है कि अगर जॉब वगैरह अपना खुद का बिजनेस करते हैं तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके लिए जॉब के योग जो 1.5 साल पहले भी बने हुए थे वो अब जो है बनेंगे कब, नवम्बर महीने में एक बनते हुए नजर आ रहे हैं, जो आपके लिए बेहतर भी होगा। यदि आप उसको पकड़ सकते हैं, उसके लिए अगर प्रिपेयर हो जाए, ये उपाय कर लीजिए, आपके लिए बेहतर हो जाएगा, क्योंकि शनि का ये उपाय करने से आपकी जॉब वगैरह बनी रहेगी। जय महादेव। नीतिका हमारे साथ जुड़ी हुई है, साथ स्वागत करते हैं। नीतिका जी स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार। जय महादेव। मैम डेट ऑफ बर्थ है 31/8/2006। और समय बताइए। सुबह का 4:35। जी क्या पूछना चाहती हैं? मैम हमने पूछना, अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ, ये पढ़ाई के टाइम पहले इतना अच्छा थी, अब बिल्कुल एकदम से डाउन आती जा रही है, तो क्या वो है इसका रीजन? चलिए, यहाँ पर पढ़ाई लिखाई में जो डाउन होती जा रही है उसका कारण यहाँ पर है राशि के जो स्वामी की बात करते हैं, यहाँ वृश्चिक राशि की है, मंगल इनका स्वामी है। अगर हम बात करेंगे कि ग्रह कौन से चल रहे हैं तो शनि की महादशा चल रही है। इसके ऊपर से आपने क्या करना है, सरसों का तेल लेना है 100-125 ग्राम के करीब, वो आपने जो है भूरे रंग की बॉटल में लेना है, इसके ऊपर से उसारना है, ये आपको गिन के 8 शनिवार करना है।
बहते हुए जल में इसको प्रभावित करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो शनि की महादशा चल रही है, क्योंकि वृश्चिक राशि के ऊपर शनि के साढ़े साथी का प्रभाव भी चलता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो है हनुमान जी की पूजा आराधना करने के बाद इसके मस्तक पे यहाँ पर आपने जो है हनुमान जी के सीधे पैर का तिलक लगाना है, जो इसके लिए बेहतर होगा। और साथ ही शनि का दान करना इसके लिए अति उत्तम रहेगा। काले रंग के वस्त्रों से जितना हो सके इसको दूर रखिए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में कहीं ना कहीं शनि जब हमारे ऊपर डालता है, असर डालता है, तो बच्चा जो है पढ़ाई की तरफ मंद हो जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर शनि का दान पुण्य करें, जो इसके लिए बेहतर होगा। और एक लोहे की कील जो है पुरानी, जो घर के अंदर में पड़ी हो, वो इसके आपने तेल में डालना है, इसके ऊपर से उसारना है और पीपल वृक्ष पर चढ़ा दीजिए, इसके लिए बेहतर होगा। जय महादेव। पूरन सिंह जी राणा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत करते हैं। हेलो हेलो जी, स्वागत है आपका। जय गुरु मां। जय महादेव। जय महादेव। मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26 सितंबर 1984 जी 1984 और समय बताइए। सुबह के 9:45 जी। क्या पूछना चाहते हैं? मुझे पूछना है कि मेरे को बिजनेस करना है, क्या मैं मेरे योग है बिजनेस के, नहीं तो फिर मैं किसी और के साथ मिलकर कर सकता हूँ। चलिए, आपने बात किया है कि बिजनेस के लिए, पहले हम यहाँ देखेंगे कि सप्तम भाव पे कौन सी राशि संचार कर रही है, क्योंकि हम जब पार्टनरशिप की बात करते हैं किसके साथ करना है। अभी दशा आपकी यहाँ पर गुरु की चल रही है, 2025 तक रहेगी, और गुरु की महादशा में अंतरदशा की अगर हम बात करते हैं तो शुक्र की चल रही है। तो ऐसे में यहाँ पर मैं आपको बताना चाहेंगे कि गुरु आपकी कुंडली में 10 डिग्री स्वयं ग्रही होकर बैठे हैं, और आपकी जो लगन में जो राशि संचार कर रही है, तुला राशि संचार कर रही है, शुक्र वहां पर बैठे हुए हैं, और खुद की जो आपकी राशि है वो कन्या राशि है। आपके लिए बताना चाहेंगे, आप पार्टनरशिप पे करते हैं तो अपना जो है अपने आप को पहला पार्टनर रखिएगा, सेकंड नहीं रखिएगा, क्योंकि पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं जो है आपको जो है थोड़ी सी अड़चन हो सकती है। मेष राशि संचार कर रही है सप्तम भाव में, जो बताती है पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं जाके आगे कोई कुछ दिक्कत आ सकती है, अपना सेपरेट कुछ कार्य कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। जॉब वगैरह के ऐसा यहाँ पर कोई आसार नजर नहीं आता है, अपना खुद का कार्य करें तो बेहतर होगा। जय महादेव। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन क्या कहता है? कहता ये है कि संबंधों की मधुरता हेतु आपस में विश्वास रखें तो बेहतर होगा। कुछ चिंताएं मन पर प्रभावी होंगी, असामाजिक तत्वों से दूरी बनाए रखें तो अच्छा रहेगा, और साथ ही परिश्रम का समुचित लाभ आपको प्राप्त होगा। किसी से लड़ाई ना करें, ये है बस उपाय, किसी के साथ वाद विवाद ना करें, यही आपका उपाय है। हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन क्या कहता है कि व्यवसायिक संबंध आपके प्रगट होंगे, परिश्रम से लाभ भी बनते नजर आ रहे हैं, अत्यधिक भावुकता से भावनात्मक शोषण भी होने की आशंका दिखाई दे रही है, परिश्रम का समुचित लाभ आपको प्राप्त होगा। आज के दिन आपको अपाहिजों को दान करना बेहतर बन सकता है। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन क्या कहता है? अपने अंदर धैर्य व वाणी मधुरता लाएं तो बेहतर होगा। शंकाएं संबंधों में कटुता आपकी पैदा कर सकती है, तो यहाँ पर जो है संबंधों में कटु वचन का प्रयोग भी ना करें तो अच्छा रहेगा। भौतिक आकांक्षाओं की पूर्ति के आसार भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। हल्दी कुमकुम माँ दुर्गा को अर्पित करना और महालक्ष्मी को अर्पित करना बेहतर हो सकता है। हम बात करेंगे मकर राशि वालों के लिए आज का दिन क्या कहता है? कहता यह है कि किसी नए संबंध के प्रति निकटता आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। परिवार में कोई सुखद स्थिति प्रसन्नता लाएगी। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मन में दुविधा ग्रस्त हो सकता है। किसी से आपको भी लड़ाई नहीं करनी है। साथ ही आज जो है मिश्री का जो है सेवन करना अति उत्तम हो जाता है। हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन क्या कहता है? महत्वपूर्ण कार्यों के प्रति आलस ना करें। मन सुंदर कल्पनाओं से प्रभावित होगा। किसी नई दिशा में सकारात्मक सोच अवश्य रंग लाएगी। तेल की पूरी कौए को खिलाना, साथ ही जो है कुत्ते को भी खिला दीजिएगा, अच्छा रहेगा। हम बात करेंगे मीन राशि वालों के लिए। नकारात्मक चिंताएं उत्साह से कमी हो लाएगी। भाई नकारात्मक चीजें मत लाइए, वरना अन्यथा आप जो है आपके अंदर उत्साह की कमी हो जाएगी। क्रोध पर काबू रखें और आवेश में कोई निर्णय ना लें। नौकरी का वातावरण सुखद रहेगा। सत्यनारायण भगवान का ध्यान कर उनकी पूजा आराधना करने के साथ साथ लक्ष्मी नारायण की जब यदि पूजा करेंगे तो महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बन जाएगी। चलिए, ये था हमारा 12 राशि, उनके ऊपर हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहन हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत करते हैं। हेलो। हाँ नमस्कार मैडम। नमस्कार। जय महादेव। जय महादेव मैडम जी। मैडम मेरा डेट ऑफ बर्थ है 16 दिसंबर 1973। और समय बताइए। समय है सुबह 9:55 जी। क्या पूछा चाह रहे हैं? मेरे मकान की प्रॉब्लम है, मेरे को मकान नहीं बन पा रहा है मैडम। बिल्कुल मोहन जी, यहाँ पर मैं बताना चाहेंगे कि मकान के लिए हम देखेंगे कि आपके चौथे भाव में मंगल की राशि संचार कर रही है, और जब हम बात करते हैं अपने मकान वगैरह की तो चौथे भाव को जरूर देखते हैं। वहाँ पर मेष राशि संचार कर रही है, साथ ही मंगल भी बैठे हुए हैं, और दशाओं की अगर हम बात करते हैं तो राहु की महादशा चल रही है।
कोई भी काम बनते बनते आपके जो बिगड़ रहे हैं उसके कारण भी यहाँ पर जो है ये दिखाई देता है कि राहु आपके बारहवें भाव में बैठे हुए हैं। हाथ में जब पैसा बरकत ही नहीं हो पाएगी तो जो है मकान कैसे बना लेंगे सोचते हैं, मगर कहीं ना कहीं जो है अड़चन आ जाती है। मंगल 4 डिग्री होकर मूल त्रिकोण होकर बैठा है, ऐसे में आपके लिए एक चीज उपाय बताना चाहेंगे। आपको मंगल का उपाय क्या करना, मसूर की दाल आपने हनुमान जी को हर मंगलवार के दिन चढ़ाते रहिए, ये मत सोचिए कि कब तक चढ़ाना है, मगर चढ़ाते रहिए यदि चाहते हैं आप अपना मकान बनाना। और साथ ही यहाँ पर आपको एक शनि का भी उपाय करना है। मंगल और शनि ये दो ऐसे ग्रह हैं जो हमारे मकान बनाने में बहुत ज्यादा भूमि के एक तो हो गए देवता, शनि क्या हो गए जो हमारे ईंट पत्थर जो मिट्टी लोहा वगैरह जो इस्तेमाल होता है उसका हमारा कारागर। तो ऐसे में शनि के लिए आपने क्या करना है, शनिवार के दिन आपने कुत्ते को रोटी खिलाना होता है, शनिवार के दिन अपाहिजों को दान करना अति उत्तम होता है। इससे क्या है हमारे जो मकान के योग 70% है वो कहीं जाके हमारे और ज्यादा अच्छे बन जाते हैं। मकान बनने में विलम्ब जरूर होगा मगर बनेगा जरूर। और साथ ही तुलसी पे घी का दीपक जलाना अति उत्तम हो जाता है। जय महादेव। चलिए हमारे एक और कॉल। हेलो हेलो दीपा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार, जय महादेव। मैम जय जय महादेव। जय जय महादेव। मैम जी आपसे एक सवाल पूछना था, एक बेटी है मेरी 10 साल की। जी उसकी जन्म तिथि बता दीजिए। जी उसकी जन्म तिथि। जन्म तिथि मैम अपने बारे में पूछ रही हूँ। मैम मेरी एक बेटी है तो मैं दूसरा बच्चा कब होगा ये जान रही। अच्छा ठीक है, आप अपनी जन्म तिथि बताइए। मैम जन्म तिथि तो नहीं पता, नाम के अनुसार बता दीजिए। नाम पूरा बताइए अपना। दीपा। सरनेम। दीपा पंत। जी आपने दूसरी संतान के लिए यहाँ बात की है तो यहाँ पर एक चीज मैं बता दे दीपा जी कि दूसरी संतान के लिए यहाँ पर जो है आपकी एक बेटी है 10 साल की और उसके बाद जो है आपकी दूसरी संतान में भी थोड़ा सा यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है एक कह सकते हैं विलम्ब होगा, मेडिकल ट्रीटमेंट की भी जरूरत पड़ सकती है, मगर होगी फिर भी बेटी क्योंकि यहाँ पर बेटे के चांसेस यहाँ पर बहुत कम है। वैसे जो है आजकल जो है अलग अलग वो है कि भाई दवाइयाँ खा लेते कि बेटा होने के, मगर ऐसा नहीं, यहाँ पर तो बेटी के ही चांसेस दोबारा भी नजर आ रहे हैं, मगर थोड़ा विलम्ब होगा। आप जो है अगर इलाज करवा लेते हैं तो आपके दूसरे संतान के योग बन जाएंगे। लड्डू गोपाल अपने घर में ले आइए इस जन्माष्टमी के दिन में, तो आपके घर में संतान के योग जो मैंने बताया है वो जो थोड़े कम है और ज्यादा प्रबल हो जाते हैं, ये करके देखिए। हम शुभकामना आपके साथ है। जय महादेव। भाई आज का उपाय क्या कहता है, आज का उपाय ये कहता है घर में तनाव रहता है, नहीं आपका मन लग रहा है, दिल में ऐसे ऐसे विचार आते हैं, नकारात्मक विचार आते हैं और अजीब अजीब से जो है घर में हाल दिखाई देते हैं, ऐसे में क्या करना है, घर के उत्तर पश्चिम दिशा को आपने साफ रखना है। गंदा पानी तो उस जगह बिल्कुल ना रहने दे। उत्तर पश्चिम कहते हैं पश्चिम की हवा आती है, तो पश्चिम की जो हवा आती है उत्तर से जो हवा आती है वो हमारे लिए बेहद अच्छी रहती है, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी रहती है, मगर जब यहाँ पर गंदा पानी आप इकट्ठा कर देते हैं तो ऐसे में घर के परिवार के लोग तनाव में रहते हैं, कुछ ऐसे लगता है जैसे कि पागलपन सा दिमाग में सवार रहता है, रात के समय लड़ाई झगड़ा होता है, आपस में एक दूसरे के खिलाफ जो है साजिशें रचते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर खिड़कियां उस साइड की आपको खुली रखना, सुगंधित फूल उस जगह लगा दीजिए, अगर गंदे वहां पर गंदगी है तो वहां पे हटा दीजिए गंदगी, वहां पे सुगंधित फूल लगाना है ताकि जो फूलों की खुशबू आपके घर में आए। सुगंधित फूलों के गमले और पौधे लगाएं, लंबे और कांटेदार पौधे उस घर में कभी भी ना लगाएं क्योंकि वहां पर वो आपके नकारात्मक चीजों को और ज्यादा बढ़ावा देता है। तो ये था आज का उपाय, आज का टिप्स क्या कहता है, दांतों से कभी भी नाखून नहीं चबाना चाहिए भाई, क्योंकि नाखूनों को चबाने से आपके ऊपर आपके जो कार्य में जो पॉजिटिव चीज आनी होती है वो नहीं आती, आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। ऐसे लोग जो है जो नाखूनों को चबाते हैं वो अपने लिए कहीं ना कहीं हानि पैदा करते हैं। तो ये था आज का उपाय, आज का टिप्स, कल एक नए विषय के साथ में नए उपाय के साथ में करते हैं आपसे मुलाकात। तब तक यही कहेंगे कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके पर बनी रहे, आपका दिन रहे मंगलकारी, मुझे दीजिए इजाजत। जय जय महादेव।